तो आज के इस वीडियो में मैं 100 सीरीज के 6th पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा। मैंने इस सीरीज के फर्स्ट 5 पार्ट्स को भी एक्सप्लेन किया है और हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके बाकी के पार्ट्स की भी एक्सप्लेनेशन देख लें ताकि आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आए। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम सिमोन और एडी नाम के दो लैंडर्स को जिग्सॉ के ट्रैप में फंसा देखते हैं। जिग्सॉ उन्हें बताता है कि अगर उन्हें इस ट्रैप को एस्केप करना है तो उन्हें टाइमर के ख़त्म होने से पहले अपने बॉडी पार्ट्स को काट कर सेक्रीफाइस करना होगा और जिसके सेक्रीफाइस का वेट सबसे ज़्यादा होगा वो इस ट्रैप को एस्केप करेगा। सिमोन अपना एक हाथ काट देती है और उस ट्रैप से छूट जाती है, पर टाइमर के ख़त्म होने पर एडी मारा जाता है। इसके बाद हम सॉ 5 का एंडिंग सीन देखते हैं जब हॉफमैन उस ग्लास बॉक्स की मदद से बच गया था। हॉफमैन स्ट्रैम की डेड बॉडी चेक करने को आता है और उसे पता चलता है कि स्ट्रैम का एक हाथ अभी भी सही सलामत है। इसके बाद हॉफमैन को एडी के मर्डर स्पॉट पे बुलाया जाता है। एरिक्सन बताता है कि उसे एडी के डेड बॉडी पर स्ट्रैम के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं जो कि हॉफमैन ने ही स्ट्रैम के कटे हुए हाथ की मदद से दिए थे ताकि सारा शक स्ट्रैम पर जाए। और क्योंकि ऑफिसर को नहीं पता था कि स्ट्रैम मर चुका है इसलिए उन्हें लग रहा था कि स्ट्रैम ने ही ये सब किया है। हॉफमैन वहाँ पर लिंडसी परेस से मिलता है जो अब भी ज़िंदा होती है और एरिक्सन बताता है कि उसने एजेंट परेस की डेथ न्यूज़ उसकी सेफ्टी के लिए फैलाई थी। इसके बाद हम डॉक्टर एडम को देखते हैं जिसने जिग्सॉ के हर विक्टिम की ऑटोप्सी की थी। वो बताते हैं कि जो नाइफ एडी की बॉडी से जिग्सॉ पीस काटने के लिए यूज़ हुआ है वो जिग्सॉ की नॉर्मल नाइफ से अलग है और आखिरी बार इसे सेथ बेक्स्टर की बॉडी से पीस काटने के लिए यूज़ किया गया था। इसके बाद एजेंट सेथ बेक्स्टर की ऑडियो फाइल को इन्वेस्टिगेट करना चालू कर देते हैं। हॉफमैन हॉस्पिटल में सिमोन से मिलने जाता है और वहाँ पर वो पमेला जेंकिंस नाम की एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट से मिलता है। पमेला उससे जिल का एड्रेस मांगती है लेकिन हॉफमैन उसे इग्नोर कर देता है। इसके बाद हॉफमैन जिल से उसके क्लिनिक पर मिलने जाता है और जिल उसे जॉन के दिए हुए बॉक्स से 5 विक्टिम्स की फाइल निकाल कर देती है जिनका टेस्ट उसे आगे लेना था। ये वही बॉक्स है जो जिल को 100 फाइल में मिला था। हॉफमैन जिल से रूडली बात करता है और बोलता है कि जॉन अब मारा जा चुका है और अब वो जिग्सॉ है इसलिए अब से उसके रूल्स चलेंगे। इसी बीच हम जिल के फ्लैशबैक के थ्रू जॉन को देखते हैं जिसने अमेंडा जैसी ड्रग एडिक्ट जिसे जिल भी अनट्रीटेबल मानती थी उसे अपने टेस्ट की मदद से ठीक करके उसके सामने खड़ा कर दिया होता है। जिल ये सब देखकर काफ़ी सरप्राइज्ड हो जाती है और तभी से जॉन का साथ देना चालू कर देती है। इसके बाद हम विलियम इस्टन नाम के एक इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव को देखते हैं जो अम्ब्रेला हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था। उसने हेरल्ड नाम के एक हार्ट पेशेंट का क्लेम रिजेक्ट कर दिया था जिस कारण से उसकी मौत हो गई थी और उसकी फैमिली ने विलियम पर केस कर दिया था। इसी सिलसिले पर वो कंपनी की अटॉर्नी डेबी से बात कर रहा होता है। इसके बाद रात को हॉफमैन विलियम को किडनैप कर लेता है और जब उसकी आँख खुलती है तो खुद को इस ट्रैप में फंसा हुआ पाता है। उसके सामने उसका जेनेटर हैंक होता है और उस पर भी सेम ट्रैप कनेक्टेड होता है। इसके बाद जॉन खुद वीडियो टेप के थ्रू बताता है कि उसने विलियम को इसलिए पकड़ा है क्योंकि उसने कई लोगों के इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट किए हैं। जॉन उसे ये भी बताता है कि इस ट्रैप से एस्केप करने के लिए उसे अपनी सांस रोकनी होगी नहीं तो उसके स्टमक पर कनेक्टेड ट्रैप उसे क्रश कर देगा। विलियम के हाथ पर दो बॉम्ब्स भी प्लांट किए गए थे जिसकी चाबी उसे आगे के टेस्ट में मिलेगी। हैंक जो कि एक स्मोकर था इसलिए वो अपनी सांस नहीं रोक पाता है और बाद में मारा जाता है, पर विलियम एस्केप कर जाता है और वहाँ पर मिली चाबी की मदद से अपने एक हाथ के बम को निकाल देता है। विलियम का सेकेंड टेस्ट उसे उसके सेक्रेटरी और क्लर्क के पास ले जाता है और उसे उन दोनों में से किसी एक को चुनना था और वो सेक्रेटरी को बचाता है। इसके बाद उसे एक चाबी मिलती है जिसकी मदद से वो अपने दूसरे हाथ के बम को निकाल देता है। अपने हाथ पर लिखे मैसेज से उसे पता चलता है कि वो जिग्सॉ से 2 बार मिल चुका है, एक बार पार्टी में और एक बार तब जब उसने उसका भी इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट किया था। इसके बाद एक फ्लैशबैक के थ्रू हम पमेला को देखते हैं जो जिल को एक लेटर देती है और वापस निकलते वक्त हॉफमैन उसे भी किडनैप कर लेता है। तो फ्लैशबैक से बाहर निकल के प्रेजेंट में आते हैं। विलियम जहाँ पर टेस्ट दे रहा होता है वहीं पर दो माँ बेटों को भी किडनैप करके रखा गया होता है और उनके ठीक बाजू वाले कमरे में पमेला को रखा गया होता है और उन दोनों पर हॉफमैन नज़र रख रहा था।
इसी बीच हम जिल को देखते हैं जो जॉन के दिए हुए बॉक्स में से एक मिस्टीरियस पैकेज निकालती है और उसे एक हॉस्पिटल में किसी को डिलीवर करती है। वेल, इस पैकेज में क्या था और ये किसको डिलीवर किया गया, इसका पता आपको नेक्स्ट पार्ट में चलेगा। विलियम अपने नेक्स्ट रूम में एंटर करता है जहां उसकी लॉयर को ट्रैप करके रखा गया होता है। उसके ट्रैप की चाबी विलियम के पेट में थी पर अपने पेट को काटने से इनकार कर देता है और टाइमर के ख़त्म होने पर लॉयर भी मारी जाती है। इसके बाद विलियम चौथे रूम में एंटर करता है जहां पर उसके 6 एम्प्लॉयज़ को ट्रैप किया गया होता है, पर विलियम किसी 2 को ही बचा सकता था और इसीलिए वो 2 लड़कियों को बचाता है और अपने लास्ट रूम में एंटर करता है। इसी बीच हम एरिक्सन को देखते हैं जो हॉफमैन को कॉल करके बुलाता है और बताता है कि सेथ बैक्स्टर की ऑडियो टेप ऑलमोस्ट डिकोड हो गई है। डिकोडिंग कंप्लीट होते ही उसमें से हॉफमैन की आवाज़ आती है और क्योंकि एरिक्सन, परेज और टेक्नीशियन उसका सच जान गए थे इसलिए वो उन तीनों को मार डालता है और एविडेंस को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। पमेला ने जो लेटर जिल को दिया था ये वही लेटर है जो 103 में हॉफमैन ने अमेंडा को दिया था। जिल उसके बाद उस कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है जहां से हॉफमैन विलियम को ऑब्जर्व कर रहा था और वो उस लेटर को हॉफमैन के डेस्क पर रख देती है। इस लेटर में क्या लिखा था इस बात का पता आपको थोड़ी देर में चलेगा। फाइनल रूम में एंटर करने पर वो 2 कमरे देखता है, एक में वो माँ और बेटे होते हैं और दूसरे में पमेला। विलियम उन दोनों माँ बेटों को तो नहीं जानता था पर वो पमेला को जानता था जो उसकी बहन थी, और हमने जो माँ और बेटे को देखा था ये उसी हार्ट पेशेंट की फैमिली थी जिसका इंश्योरेंस क्लेम विलियम ने रिजेक्ट किया था। माँ का नाम टारा और बेटे का नाम ब्रेंट था। फिर एक वीडियो टेप के थ्रू जॉन उन्हें ऑप्शन देता है कि अगर वो चाहें तो विलियम को मार सकते हैं, बस उन्हें ये वाला लिवर खींचना होगा। तारा ऐसा नहीं कर पाती है पर ब्रेंट अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए उस लिवर को खींच देता है। लिवर को खींचते ही ढेर सारी निडल्स विलियम की बॉडी में इंजेक्ट हो जाती हैं और ऊपर रखा सारा का सारा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड उसकी बॉडी में चला जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हॉफमैन कंट्रोल रूम में आता है और डेस्क पर रखे लेटर को पढ़ता है और फाइनली हमें पता चलता है कि आखिर उस लेटर में ऐसा क्या था जिस कारण से अमेंडा ने 103 में डॉक्टर लिन को मार दिया था। असल में सिसिल एडम, जिसके कारण से जॉन के बच्चे की डेथ हुई थी, वो अमेंडा का बॉयफ्रेंड था और अमेंडा के कहने पर ही उसने क्लिनिक पर अटैक किया था और ये बात हॉफमैन जानता था और इसीलिए उसने लेटर के थ्रू अमेंडा को ब्लैकमेल किया ताकि वो लिन को मार दे, जिसके बाद जेफ जॉन को मार देता और हॉफमैन नया जिग्सॉ बन जाता। हॉफमैन लेटर पढ़ ही रहा था कि जिल, जो कि उस कमरे में पहले से छुपी हुई थी, वो पीछे से आकर हॉफमैन को इलेक्ट्रिक शॉक देती है और इसके बाद उसके सर पर वही फेमस बियर ट्रैप लगाती है। जिल उसे बताती है कि जॉन ने एक और एनवेलप दिया था जिसमें हॉफमैन की फ़ोटो थी क्योंकि वो चाहता था कि हॉफमैन अनटेस्टेड ना रहे। जिल उसे उस ट्रैप की चाबी नहीं देती है और 45 सेकंड्स का टाइमर सेट करके चली जाती है। इसके बाद हॉफमैन अपने हाथ को तोड़कर चेयर से उठता है और विंडो बार्स की मदद से ट्रैप को जाम कर देता है। वो ट्रैप को एस्केप तो कर लेता है लेकिन उसके राइट साइड का फेस काफ़ी डैमेज हो जाता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। 107 का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मैं निकलता हूँ, गुड बाय।